गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑर्डर्स अगेन वी नीड टू गो बैक टू होम। हमें फिर से वापस अपने सेम पैटर्न पे आना ही पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट कि जो आपने अभी प्रोग्रेस बनाई थी उसको कंटिन्यू बना के रखिएगा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए प्लीज। अभी हमारे पास टाइम है नहीं इतना, सो वी विल बी कीप इन टच विद द सेम पैटर्न। हम इसी पैटर्न पे फिर से वापस आएंगे और इसी पे हम लोग आपस में दूसरे से टच में रहेंगे। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इनटू द स्कूल, जो हमने स्कूल में डिस्कस किया था, वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर्स फ्रॉम देयर ओनली। उसे आगे का पार्ट हम लोग करेंगे। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो प्लीज फिर से आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड द ट्रेड। हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। एंड इन ट्रांसपोर्टेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रोडवेज, टाइप्स ऑफ द रोडवेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोडवेज ओवर द रेलवेज वी हैव डिस्कस्ड। हमने ये क्लास में डिस्कस कर लिया था कि रोडवेज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द रोडवेज ओवर द रेलवेज, रेलवेज की बजाय रोडवेज क्यों बेनिफिशियल होता है। सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड कि कितने तरह के हमने अपने जो रोड है वो क्लासिफिकेशन किया है और उन रोड को कौन कौन मेंटेन करता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। नाउ वी स्टार्टेड द रेलवेज, रेलवेज का कुछ पार्ट हमने कर लिया था, बट आई स्टार्ट फ्रॉम द रेलवेज ओनली। मैं फिर से रेलवेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। रेलवेज की क्या इंपॉर्टेंस है एंड वाई द रेलवेज इज कॉल्ड द, या फिर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है इसको नेशनल इकोनॉमी क्यों बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन क्यों बोला जाता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रेलवेज, रेलवेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रेलवेज आप सबको पता है, रेलवेज हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द कॉमन पर्सन। एक कॉमन पर्सन की अगर हम बात करें उसकी लाइफ में रेलवेज का बहुत ज्यादा महत्व होता है, बिकॉज इट इज द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर द बोथ फ्राइट्स एंड द पैसेंजर्स। ये दोनों ही तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है, पैसेंजर्स, गुड सर्विसेज, सभी तरह के जो पैसेंजर्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमें कवर करनी होती है, दैट वी यूज रेलवे। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रेलवे का यूज करेंगे हम लोग डेफिनेटली। सो यूज फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज, जो रेलवेज होती है उसको मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। आज हमारे इंडिया में जितना भी बिजनेस हो रहा है या इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनके पीछे जो बैकबोन के रूप में जो वर्क करता है, इट इज आवर रेलवेज, वो हमारा रेलवे है। सो रेलवेज यूज फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं दैट वी डिस्कस इन द क्लास, वो सारे कैरी किए जाते हैं थ्रू रेलवेज। देन साइट सींग्स, अगर आपको कहीं पे साइट सींग करना है, घूमना है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, आपका रेलवेज का यूज किया जाता है। देन पिलग्रिमेज, बड़े बड़े जो दूर दूर के क्षेत्र हैं उनमें अगर आपको भक्त यात्री जो वगैरह होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जिनको कवर करनी होती है, सो दे यूज रेलवेज। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, देन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस कि जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है वो सारी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पिलग्रिमेज हो, साइट सींग हो या फिर गुड्स हो, उनको अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना है तो वो हमारे पास रेलवेज वर्क करता है उसके लिए। सो रेलवेज इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग। तो रेलवेज हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड देन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर इकोनॉमी, एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ देखिए साइड सींग्स वगैरह के साथ साथ जो हमारा रेलवेज है ये हमारा एक इंटीग्रेटेड फोर्स के रूप में वर्क करता है, यानी कि हमारे कंट्री को इंटीग्रेट करने का भी काम करता है। वी गेट इंटीग्रेटेड थ्रू द रेलवेज, थ्रू द बिजनेस, थ्रू द एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें हमारे पास लिंक है। वी नीड टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन्स टूवर्ड्स द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से हमारे पास दूसरी चीजों यहाँ पे जो हमारे नॉर्थ इंडिया में ट्रांसपोर्ट होती है, ईस्ट इंडिया में ट्रांसपोर्ट, ईस्ट इंडिया की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है, वेस्टर्न इंडियन में हमारे पास ट्रांसपोर्ट करना है। सो बेसिकली इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द रेलवे, ये हमारे पास रेलवे के द्वारा ही कवर किया जाता है। सो इट वर्क्स एज अ इंटीग्रेटिंग, ये इकॉनमी है ये आपस में इंटीग्रेट हो रही है, बिकॉज ऑफ द रेलवे, रेलवे की वजह से हमारी इकॉनमी इंटीग्रेट हो रही है। एग्रीकल्चर को जो बेनिफिट मिलता है वो भी हमारा किससे मिलता है, रेलवे को मिलता है। देन इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन टू द कंट्री। अब अगर कंट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो वर्क किया जाता है वो रेलवेज के द्वारा ही किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट टेकिंग जो सबसे बड़ा सेक्टर हमारे पास है जो इंडियन इकोनॉमी में हेल्प करता है वो हमारे पास रेलवेज है। अभी कुछ टाइम पहले सुना था कि जो गवर्नमेंट है दैट इज गोइंग टू बी प्राइवेटाइज द रेलवेज, सो देखते हैं कि क्या होता है उसके लिए। देखिए
सो रेलवेज हमारे पास है। अभी तक हम लोग बात करेंगे, जैसे हमारे सिलेबस में दिया गया है कि आपका अभी जो पब्लिक सेक्टर में जो पब्लिक फेयर के लिए वर्क करते हैं आपका रेलवेज है, तो रेलवेज हमारे पास इंडिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सेक्टर है जो पब्लिक सेक्टर में डील करता है हमारे पास। ठीक है, कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं दैट कुड बी आस्क इन टू द पेपर, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट वी डिस्कस इन द क्लास, आप अपनी बुक को जरूर साथ लेके बैठिएगा, बुक को साथ साथ पढ़िएगा और ये फैक्ट्स उसमें देखते जाइएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। इवन यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल मी, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई होप सो वी विल स्टार्ट द लाइव क्लास एज वेल, आपकी लाइव क्लासेस जो पहले हमने स्टार्ट की हुई थी सेम विल स्टार्टेड, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर अपनी क्वेरीज कर लीजिएगा। ठीक है, सो फर्स्ट रेलवे दैट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1853, जो हमारे इंडिया में स्टार्टेड, सॉरी 1853 में हमारे पास फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुई थी। और ये हमारे पास जो रेलवे चली थी ये कहां से कहां तक थी आपका सबको पता है, मुंबई से थाने तक चली थी, और इसकी जो डिस्टेंस थी दैट वाज 34 किलोमीटर्स, 34 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी उसको इसने कवर किया था। इट इज टू बी सैड 34 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को इसने 1.5 घंटे के आसपास यू नो इट इज कवर्ड, सो काफी स्लो थी स्टार्ट के अंदर, बिकॉज धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और फिर हमने इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। देन इंडियन रेलवे इज रिकॉग्नाइज्ड इनटू द 16 जोन, अगर हम आज बात करते कहीं पे आपका 17 मिलेंगे आपको, बट आपकी बुक में जो दिया गया है वो 16 ही दिया गया है। सो इंडियन रेलवे को रिकॉग्नाइज किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, इसको इजी करने के लिए क्या किया गया आपका जोन्स में डिवाइड कर दिया गया, जैसे नॉर्दर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, तो इसको क्लासीफाई कर दिया जोन के अंदर। वो हमारे पास कितनी जोन है, हमारे पास 16 जोन है हमारे पास अभी आपकी जो बुक में दी गई है आपका। With we have the 7133 stations, हमारे पास 7133 stations के साथ, और जो tracks जो बिछे हुए हैं वो हमारे पास कितने हो गए 64,460 किलोमीटर्स की जो distance है वो अभी track की हमारे इंडिया में कवर हो चुकी है, और भी धीरे धीरे करके हो सकता है development हुआ है अभी अभी। अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स की कि रेलवेज को कहाँ किस एरियाज के अंदर बिठा मतलब बिछाना या फिर रेलवेज को इस्टेब्लिश करना इजी होता है, सो दैट इज हमारा जो इंडिया है इट हैज अ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवेज का और किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का दैट्स अफेक्टेड बाय द रिलीफ, वो रिलीफ से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन इंडिया कि क्या हमारे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, किस तरह से रेलवेज हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है किस एरिया के अंदर। व्हाट आई मीन टू से इज दैट वेयर इज द डेंसली जो ट्रैक्स है हमारे पास वो लेड किए गए हैं, बिछाए गए हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी इकोनॉमी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। देखिए किसी भी एरिया के अंदर रेलवे का डेवलपमेंट होगा सो इट्स बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफी, दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फिजियोग्राफी, व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ फीचर्स आर फाउंड देयर, प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन्स हैं, या क्या वहाँ का फिजिकल फीचर्स है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे रेलवेज को बिछाना इजी है या डिफिकल्ट है। सो जस्ट सिंपली यू कैन इमेजिन दैट इफ वी हैव प्लेन, क्योंकि प्लेन क्योंकि रेलवेज को प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये बड़े आराम से वहाँ पे बिछाया जा सकता है आपका, इट कैन बी लेड डाउन ओवर देयर वेरी इजीली। सेकंड थिंग इज इकोनॉमी, मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द इकोनॉमिकल जोन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं, बिजनेस हब्स होते हैं आपके, सो वी नीड दैट वन, वो हमें डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास रेलवेज की रिक्वायरमेंट होती है, सो वी रिक्वायर द इकोनॉमी एज वेल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि कितना एडमिनिस्ट्रेटिव करना वहाँ पे ईजी हो गया है या कितना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, तो दीज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डाउन द रेलवे, रेलवेज को लगाने के लिए, रेलवेज के ट्रैक्स को बनाने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द 3 major tariffs की अगर हम बात करेंगे इंडिया के 3 majors जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं, विल टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट नॉर्दर्न प्लेन, तो पहला हमारे पास क्या आपका नॉर्दर्न प्लेन है, एज इट इज नेम सजेस्ट, हमारे पास नॉर्थ इंडिया में हमारे पास गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, देयर यू विल फाइंड दैट प्लेन एरिया, ये हमारे पास प्लेन एरिया है एंड द पॉपुलेशन इज वेरी हाई ओवर हियर, यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, सो पीपल रिक्वायर्ड रेलवे फैसिलिटीज मोर, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ज्यादा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ज्यादा होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी काफी अच्छा है यहाँ पर, सो दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर फिर रेलवेज को बिछाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए सबसे ज्यादा जो हमारे पास डेंसली कह सकते हैं आपका वेब जो बना हुआ है आपका नेटवर्क जो बना हुआ आपका रेलवे का सबसे ज्यादा कहाँ पे बना हुआ आपका नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेन से उन पर सबसे ज्यादा आपका नेटवर्क मिलेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट क्या है इसका रीजन, रिलीफ फीचर्स में फिजियोग्राफी बहुत ईजी पड़ती है, आपका प्लेन है बड़े आराम से यहाँ पर रेलवेज को क्या क्या बिछाया जा सकता है, सो यहाँ पे डेवलपमेंट जो रेलवे नेटवर्क है बहुत ज्यादा हुआ है।
प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट वी फेस ओनली वन, यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपका एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रिवर्स के जो चैनल्स हैं वो बहुत ज्यादा, मीन्स नदियां बहुत ज्यादा यहाँ से बह के गुजरती हैं। सो रेलवेज के लिए अब ऐसा तो नहीं कि रेलवेज पानी में से होकर जाएगी, सो वी इट रिक्वायर्ड ब्रिजेस। तो लार्ज नंबर ऑफ रिवर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो फ्रॉम देयर, सो रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस। तो यहाँ पर ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स हैं उनका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं आपका फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से रेलवेज में थोड़ा सा हमारे पास बाधा आती, बट वी कैन मैनेज इट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हमारा पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है, रेलवे की डिमांड भी ज्यादा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ज्यादा होती है। सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेनिनसुलर रीजन। दूसरा हमारे पास पेनिनसुलर रीजन बनता है, पेनिनसुलर रीजन आपको क्या है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू पड़ता है वो हमारे पास रीजन पड़ता है, इट इज अ हिली रीजन, एज इट इज भी हिली एरिया है हमारे पास पड़ता है। तो हिली एरिया के अंदर रेलवे नेटवर्क को बनाना इट इज नॉट क्वाइट ईजी। जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू वहां पे नेटवर्क को बनाया गया है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी आने की वजह से, एंड ट्रैक्स आर टू बी लेड फ्रॉम गैप एंड द टनल्स। तो यहाँ पे जहां पर भी गैप्स हैं या फिर टनल जो हमारे पास सुरंगें वगैरह हैं उनको बनाकर यहाँ पे जो हमारे ट्रैक्स उनको ले डाउन किया गया है, बनाया गया आपका। इवन दो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसके बजाय अगर हम सदर्न, आप जो पेनिनसुलर रीजन की बात करें, वहाँ पे रेलवे को बनाना, ले डाउन करना, उसका नेटवर्क बनाना इतना आसान नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन एज यू नो वेरी वेल अनफेवरेबल फॉर द रेलवेज, क्योंकि पहाड़ों में हमारे पास रेलवेज को स्टैब्लिश करना ईजी नहीं है, मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट है, कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम आपका रेलवेज मिलेंगी, वेरी रेयर यू विल फाइंड द रेलवेज ओवर हियर। हाई रिलीफ जो हमारे पास रिलीफ है काफी ऊंचा है, फिर आपका ऑब्वियसली बात है रिलीफ डिसेक्टेड है, काफी उबड़ खाबड़ है, उसकी वजह से क्या होगा। सेकेंड वन इज इन हिली रीजन, हिमालय के रीजन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन भी स्प्रेस पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे रहती नहीं है, एंड लैक ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, तो वहां पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी नहीं है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। तो इस केस में जो रेलवेज है सारी जो सिचुएशन है वो रेलवेज के अगेंस्ट में जाती है, सो इट इज हार्ड टू एस्टेब्लिश रेलवेज ओवर देयर, सो लेस डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज ओवर देयर। तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट फैक्टर्स थे कि कहाँ पर कैसे रेलवेज नेटवर्क को बनाया गया है। सो आप बड़े आराम से अगर आपने फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं इंडिया के, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं जहाँ पे प्लेन होंगे वहाँ नेटवर्क ज्यादा बनेगा हमारे पास, एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ द रेलवे दैट वी डिस्कस, सम फैक्टर्स हमने डिस्कस किए इसमें, सो वो आपको भी रिमेंबर करने हैं आपका। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। और अभी हम लोग नेक्स्ट फॉर 10 डेज वी विल बी कंटिन्यू विद द सेम थिंग, विल ट्राई टू मेक योर वीडियोज, मैं आपके लिए वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, बट वीडियोस तभी इफेक्टिव होंगे जब आप अपने जो बुक है उसके साथ लेकर इसको पढ़ेंगे, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस, और होप सो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, एंड दिस विल बी द सेकंड लास्ट चैप्टर, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द वन मोर चैप्टर दैट इज लेफ्ट। हमारा एक जो चैप्टर है हो सकता है आपका 31st और मे बी 1st ऑफ दिसंबर वी कैन अगेन गेट अ चांस टूगेदर इन द स्कूल, ऐसी उम्मीद है हमारे पास कि अगले 1 दिसंबर से हो सकता है फिर से आपके स्कूल में वापस आए। So for that, till then, wait and have a nice time. See you. Bye. See you again.